Hi, I am Rupam, pursuing BSc Nursing, second sem. जैसे कि हम कहते हैं, the doctors are the brain of the hospital and the nurses are the heart of the hospital. On the occasion of Nurses Day, मैं आपको कुछ nurses की importance बताना चाहूँगी. Nurses का काम सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आप hospital आए, आपको medication दी, care provide की. नहीं, बस यहाँ तक नहीं. Nurses हमारी काफ़ी fields में हमारी मदद करती हैं, जैसे कि promoting health. हेल्थ को प्रमोट करने में नर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, इसमें नर्सेज का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं, पूरी कम्युनिटीज़ को नर्सेज गाइड करती हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट का, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या है. तो प्रमोटिंग हेल्थ में नर्सेज इस तरह से गाइड करती हैं कि बैलेंस डाइट, विटामिंस, मिनरल्स, इन सब का डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है. सेकंड वो करती है प्रिवेंटिंग इलनेस. इलनेस को कैसे प्रिवेंट करना है, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, इसमें नर्सेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं. जैसे कि सबको गाइड करना कि हैंड वॉशिंग कितनी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है, इम्यूनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और गाइड करना. जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं, गाइड करना कि आप कैसे कैसे किस किस बीमारी से बच सकते हैं, कैसे हेल्थ को रिस्टोर करने में भी नर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जैसे कि हॉस्पिटल में थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट योर एडमिशन से लेकर आपके एग्जिट होने तक नर्सेज आपका ख्याल रखती हैं आपके हेल्थ को रिस्टोर करने में. वो आपको एक स्पिरिचुअल सपोर्ट देती हैं. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं नर्सेज के, जैसे कि एजुकेट करना. नर्सेज का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि मेडिकेशन दे दी, हाँ ठीक है, हो गया काम. नहीं, हमें पेशेंट को एजुकेट करना भी होता है ताकि उन्हें नॉलेज हो, उन्हें पता हो कि उन्हें हुआ क्या है, वो खुद से कैसे प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन कैसे ले सके. सेकंड हम कर सकते हैं मोटिवेट. हम जैसे काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह उम्मीद खो चुके होते हैं कि आप उन्हें ऐसी बीमारी हो गई है, वो नहीं हो पाएंगे, क्यों कुछ ऐसी मेंटेलिटी कंडीशंस हो जाती हैं उनकी. तो हमारा एक बहुत मेन रोल यहाँ पर आता है कि हम उन्हें मोटिवेट करें कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं. तो हम नर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि हम उन्हें मोटिवेट करें. नर्सेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट आपको अपनी कंडीशन वो नहीं बताएगा, वो छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें पहले से डर रहता है कि मुझे ऐसा हो गया है, मैं ऐसा बताऊंगा तो ऐसा हो जाएगा. नहीं, एक कम्युनिकेशन पेशेंट और नर्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इंपॉर्टेंस होती है नर्सेज की कि वो कैसे एक अच्छा कम्युनिकेशन पेशेंट और अपने बीच में रख सकें. जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है कि वो क्रिटिकल थिंकर हो. जैसे कि सडनली कोविड का सिचुएशन आया तो इसमें नर्सेज का क्रिटिकल थिंकर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कोविड क्या है, कैसे आया. तो इसमें नर्सेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि कैसे मैनेज करना है, कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, कैसे बैरियर रखना है, कैसे हैंड सैनिटाइज, ये सब. थैंक यू एंड हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे. हेलो, माय नेम इज रवि प्रताप सिंह फ्रॉम बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रोल ऑफ नर्स इन दिस कोविड सिचुएशन ऑन द ओकेजन ऑफ नर्सेज डे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिकल फील्ड लाइन में. नर्स पेशेंट को प्रॉपर केयर और इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा पेशेंट के साथ नर्स का होता है. नर्स हमेशा उसको उसके मेंटल, उसके फिजिकल और सोशल हेल्थ का मेंटेन करती है. नर्स ये हमेशा इंश्योर करती है कि उसको प्रॉपर केयर मिले और उसकी वजह से उस पेशेंट को कोई हार्म ना पहुँचे, उसको कोई इंजरी ना हो. सो इस कोविड की सिचुएशन में भी नर्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हैं. रोल कुछ इस टाइप के हैं. फर्स्ट, नर्सेज इन्वॉल्व ये होती हैं कि पेशेंट जो आ रहा है कोविड के टाइम पे इन्फेक्शन के साथ आ रहा है, तो उसको कोई भी उसकी केयर में कोई भी कमी ना रहे, कभी भी पेशेंट किसी केयर की कमी की वजह से उसको कोई हार्म या कोई इंजरी ना हो, उसकी डेथ ना हो. तो नर्सेज ये इंश्योर करती हैं कि ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, उसका प्यूरी केयर के साथ हो, पूरे कंट्रोल के साथ हो. नर्सेज को अपना भी केयर करने होते तो नर्सेज प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहन के केयर करती हैं पेशेंट की, और ये इंश्योर करती हैं कि केयर में कोई कमी ना हो. सेकंड होता है, नर्सेज इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में.
कि ये जो इस टाइम की करंट वेव है ये कितना हार्म पहुंचा रही है, जो नेक्स्ट वेव आएगी वो कितना हार्म पहुंचा सकती है, कितने एक्टिव केसेस आ सकते हैं, कितने एक्टिव केसेस अभी आज के हैं, कितनी डेथ हुई है, इन सब में नर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। नर्सेज ये इंश्योर करती हैं ये सब डाटा स्टडी करके कि हम आगे सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होता है नर्सेज का। थर्ड फैक्टर आता है, नर्सेज ये इंश्योर करती हैं कि पेशेंट को सारे रिसोर्सेज मिले, लाइक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इक्विपमेंट्स, मेडिकेशन, कोई भी इस सिचुएशन में उसको इस इन सब चीज़ों की कमी ना हो। ये देखा जा रहा है कि इस टाइम पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो नर्सेज ये इंश्योर करती हैं कि जो उसका पेशेंट है उसको इस चीज़ की सारी मेडिकेशन मिले और टाइम पे मिले, इन मेडिकेशन ना मिलने की वजह से किसी की डेथ ना हो, किसी को हार्म ना पहुँचे, तो इस सिचुएशन में नर्सेज का ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ नर्सेज का रोल होता है कि पेशेंट को मोरल डाउन ना होने दे, उसको जो इस टाइम पे इन्फेक्शन में वो आइसोलेट होता है तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं, एनजाइटी में हो जाते हैं और उनको उनकी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो नर्सेज ये भी इंश्योर करती हैं कि वो अपने आप को उनमें नेगेटिविटी ना आए, वो उनमें पॉजिटिव ही रहे, एक रिकवर होने के लिए पॉजिटिविटी जो ज़रूरी होती है वो नर्सेज प्रोवाइड करती है पेशेंट को। और नर्सेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोविड के टाइम पे नर्सेज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, नर्सेज पूरा पेशेंट पे केयर करती हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट कोविड सिचुएशन, अगर नर्सेज नहीं होंगी तो पेशेंट की केयर नहीं होगी, और ख़ासकर इस टाइम पे जो पेशेंट को इन्फेक्शन है नर्सेज पीपी किट पहन के सारे सब पहन के केयर प्रोवाइड करती है, जिससे पेशेंट को इस वायरस की वजह से कोई हार्म या कोई उसकी डेथ ना हो। और इस टाइम पर देखा जा रहा है कि नर्सेज की शॉर्टेज हो गई है, मेडिकल प्रोफेशनल की शॉर्टेज हो गई है हमारे नेशन में, तो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि कोई भी जो हेल्थ सेक्टर हैं, कोई भी जो एजुकेशनल फॉर्म है उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, नर्सेज के स्टूडेंट आके परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूटी। ये शो करता है कि नर्सेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मेडिकल फील्ड लाइन में, और नर्सेज कोविड की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी। दिस इज़ ऑल ओवर, थैंक यू। My name is Anmol Zehra from BSc Nursing second semester. Today I am going to perform Nightingale Pledge on the occasion of Nurses Day. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matter committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty will I endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you.